नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, किसमें पूछा गया है? फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के आपके दो तरीके हैं, क्या कि आप या तो क्या करो, जो आपका बेसिक है कॉन्फ़िगरेशन उससे सॉल्व करो। किससे सॉल्व करो? बेसिक सा जो कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, क्या है कि हमारा है एन एस हो गया टू, देन एन माइनस वन डी के अंदर वन इलेक्ट्रॉन, देन एन माइनस टू एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, एन माइनस वन डी के अंदर अगेन 9 इलेक्ट्रॉन एंड एन पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू हमारी 5 है जो कि पीरियड नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर 5 पुट करें तो 5s एग्जिस्ट करेगा, देन क्या हमारा जो 4d है वो एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या हमारा n माइनस टू एफ मतलब 3f एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। देन हमारा कौन होगा? 4d वो एग्जिस्ट करेगा। देन हमारा 5p ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप इन सभी को क्या कर लीजिए, फैकल्टीज ऐड कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। तो कितना नंबर आएगा? मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो 9 एंड 10, 10 एंड 6, 18 एलिमेंट हो सकते हैं। तो मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? आपका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? आपका फॉर्मूला कौन सा वाला? जब आपको क्या गीवन हो, पीरियड नंबर क्या हो? गीवन हो। क्या गीवन हो फैकल्टीज? पीरियड नंबर गीवन हो। अब ऑप्शन क्या है कि इससे आपको क्या फाइंड होंगे? फाइंड होंगे क्या आपको? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या मिलेंगे आपको इससे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। किसके अंदर? उस पीरियड के अंदर। किसी भी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएंगे। अगर पीरियड नंबर क्या है आपका? इवन है। पीरियड नंबर आपका क्या है? इवन। और पीरियड नंबर आपका क्या है? ऑड। अगर पीरियड नंबर आपका इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए क्या होगा फॉर्मूला आपका? पी डिवाइडेड बाई टू। क्या होगा? पी डिवाइडेड बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? इवन नंबर में जब गिवन हो, पीरियड नंबर हो। यहां क्या होगा? पी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। इससे आपका क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आप यहां पर आपका पीरियड नंबर देखिए क्या है, इवन है या ऑड है? ऑड है। तो जब ऑड हो गया तो क्या होगा कि यहां पर पुट कीजिए 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? बोले कितना हो गया? 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 9 क्या आ गए? ऑर्बिटल्स आ गए। और हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 18 एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए आप दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, बच्चे को जो भी इजी लगे या आपको जो इजी लगे बच्चों को समझाने के लिए आप उसे पिक कीजिए। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए